मिर्जापुर बीजेपी अध्यक्ष के मोबाइल से जान मारने और अपमानित करने का वॉइस क्लिप को लेकर प्रिंस ने पुलिस कप्तान से मुलाकात की। जनपद में धमकी का ये क्लिप वायरल हो रहा है, जहां पूरे चुनावी माहौल में नेताओं का एक एक बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं का अपने जिला अध्यक्षों को अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने की बात हो रही है। वहां इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा अपने अध्यक्ष के ऊपर प्रमाण के साथ आरोप लगाया जाना इस बात का सबूत है कि पार्टियों के भीतर कैसी अनुशासनहीनता चरम पर है। जबरदस्त अमरदीत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाएगा। मिर्जापुर बीजेपी अध्यक्ष ने इस आरोप का खंडन किया है। उनका कहना था कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते विरोधियों की चाल है, हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। मैं जिला अध्यक्ष जी से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको फोन करके हाल चाल लेना चाहा, तो जिला अध्यक्ष जी ने मुझे भद्दी भद्दी गाली दी, इतने बुरे शब्दों में दिया कि मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। और उन्होंने मेरी माँ को इतना, मान लीजिए उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव से पहले स्कॉर्पियो ले ली, चुनाव प्रत्याशियों से पैसा लेके, इसी आरोप में उन्होंने मेरे को बहुत भद्दी भद्दी, मेरी माँ बहन सबको गाली दी है। तीन लोगों ने मिलके, जिला अध्यक्ष जी ने और महामंत्री रमेश दुबे जी ने और मनोज दुबे जी ने, तीन लोगों ने मेरी माँ बहन को ढेर सारी गालियाँ दी हैं। उसकी सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जो आपको हम दे चुके हैं। आईटी सेल में जिला संयोजक रहा, अभी जब हमारा युवा मोर्चा भंग हुआ तब से कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, तब से मैं सक्रिय सदस्य हूँ पार्टी का। हम ये चाहते हैं कि हमारी माँ के साथ न्याय हो और इस तरह के आदमी को जिला अध्यक्ष के पद से बिल्कुल हटाया जाए, ये शोभनीय नहीं है। इन्होंने जिस तरह से मेरी माँ को गाली दी है, एक तरफ हमारी पार्टी कहती है माँ बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, लेकिन जब जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता की माँ बहन को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उस तरह वो बहुत ही निंदनीय है। उन्हें बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति लग रही खराब हो गई है। मुझे जान मारने की धमकी दी है कि अगर मेरा पद चला गया तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मैंने कप्तान साहब को इसके संदर्भ में मैंने कप्तान साहब से शिकायत की है। पूर्व सेवा समिति के हमारे सदस्य प्रिंस सिंह, जो कि भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, और उनके साथ भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत भत्ती भत्ती माँ बहन की गालियों का प्रयोग करते हुए उनका अपमान किया। एक कार्यकर्ता का, एक पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा इस तरीके का अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके अपमानित करने की इस घटना से मिर्जापुर का पूरा जनमानस और राजनीतिक दल, मिर्जापुर सेवा समिति मरमाहत है। हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हुए हैं और हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को पूरा विजुअल सुनाया और हम लोगों ने जिला अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग किया। अगर गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो मिर्जापुर सेवा समिति में जितने भी दल और संगठन शामिल है, 44 दल और संगठन शामिल है, वो सारे दल और संगठन भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चेबंदी करेंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख करके विपक्ष के लोग साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ किसी प्रकार का कोई अपशब्द का प्रयोग किसी को नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।